गाजियाबाद के थाना कविनगर इलाके में स्थित एबीएसए के कार्यालय में अचानक उस वक्त भगदड़ मच गई जब करीब आधा दर्जन लोगों ने संवनक पद पर तैनात एक कर्मचारी के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे घायल कर दिया और आसानी से मौके से फरार हो गए, जिसकी सूचना आनन फान में मौजूद लोगों ने स्थानीय पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लहूलुहान हालत में पड़े समन्वयक कर्मचारी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल शुरुआती जांच में मामला पुरानी रंजिश से जोड़ा जा रहा है। उधर पुलिस का दावा है कि जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक संघ का अध्यक्ष जी अमित गोस्वामी आज हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के महामंत्री जो हैं लईक अहमद जी ऑफिस में बैठे हुए थे। लगभग 2 बजे 8 से 10 आदमी आए बाहर, उसमें से 2 अंदर आके उन्हें बाहर भी उन्होंने पूछा लईक अहमद कौन है कहाँ है, फिर अंदर आके उनसे भी पूछा कि लईक अहमद आप ही हैं, उन्होंने कहा हाँ, तो कह रहे हैं कि बाहर चलिए कुछ बात करनी है, उन्होंने कहा यहीं बात कीजिए, तो ब्लेड जो होता है पेपर कटर जो होता है उससे निकाल के उन पर जानलेवा हमला कर दिया। गर्दन के पास उनके 2 जगह कट हैं और जांग में उनके वो काफ़ी अंदर तक वो पेपर कटर घुसा दिए। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वहाँ, सीसीटीवी कैमरे जो हमारे प्राथमिक विद्यालय कविनगर के अंदर जहाँ ये ऑफिस है वहाँ लगे थे, परंतु लाइट कट जाने की वजह से और स्कूल बंद होने की वजह से वो कैमरे बंद थे, तो कॉलोनी के आसपास के उसमें ही अब पुलिस तफ्तीश करेगी तभी। अब घायल को कहाँ भर्ती कराया गया? घायल को सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी थोड़ा सा उनका ब्लीडिंग ज़्यादा थी तो 5 बजे ऑपरेशन थिएटर में ले जाके उनका वो होगा, फिलहाल प्राथमिक उपचार उन्हें दे दिया।